कि विल द करेंट फ्लो मोर इजली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स वायर। देखो बात समझो ना, ये देखिए एक थिक वायर है, थिक का मतलब मोटा और थिन का मतलब पतला। ये दो वायर है सेम मटेरियल के, मतलब ये भी कॉपर का है और ये भी कॉपर का है, इनको सेम बैटरी से हमने लगा दिया। तो आइए लगाते हैं जरा ध्यान से, चेक करिए। ये देखिए ये एक वायर है, ठीक, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है ए। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है बताइए, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है आपका ये, यहाँ पे जो दिखाई पड़ रहा है ये एरिया, इसको क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं, ठीक है ना। कंडक्टर को ले लो ऐसा और यहाँ से ऐसा काट दो, चाकू रखो ऐसा, इसको काट दो, तो ये जो एरिया दिखाई पड़ेगा इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है मान लो चलो 2 times a हमने बोल दिया, उसका कारण अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। ये कंडक्टर लिया, ठीक, और एक ये वाला कंडक्टर ले लीजिए, ठीक है। इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है ए, लेंथ इसकी भी एल है और इसकी भी लेंथ कितनी है एल है, ठीक है। दोनों को सेम बैटरी से लगाना है, तो इसको आप एक बैटरी से लगा दीजिए। बैटरी क्या होता है, सेल, दो या दो से ज़्यादा सेल का कॉम्बिनेशन। तो ये वी वोल्ट की बैटरी है और इसको भी हमने कनेक्ट किया है क्रॉस अ वी वोल्ट की बैटरी, ठीक है। बिकॉज आपको पता है बैटरी की हेल्प से ही आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा, ठीक। तो होता क्या है एक्चुअल में बच्चों, रेजिस्टेंस का मतलब समझिए। रेजिस्टेंस क्या होता है, ये जब आप बैटरी लगा देते हो ना कंडक्टर के अक्रॉस, अक्रॉस मतलब ये वाला एंड इधर से, ये वाला एंड ऐसा नेगेटिव से, ये वाला पॉजिटिव से, ठीक है ऐसा। तो बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है, ये माइनस हो गया, ये प्लस, ये माइनस हो गया, ये प्लस। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ चलते हैं, माइनस से प्लस, और इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से कहाँ चलता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन चलता है आपका ऐसा, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये देखिए इलेक्ट्रॉन चलेगा नेगेटिव से पॉजिटिव, और करंट हम फिजिक्स में मानते हैं कि कहाँ से कहाँ चलता है, प्लस से माइनस। तो ये इलेक्ट्रिक करंट चलेगा आपका प्लस से माइनस, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन को दौड़ाने के लिए जिम्मेदार कौन होता है, वोल्टेज सोर्स, यानी कि यहाँ पे जो बैटरी लगा रहे हो। इसीलिए क्वेश्चन में उन्होंने बोल दिया कि बैटरी आप सेम रखिए, ऐसा थोड़ी ना कि पता लगा कहीं पावरफुल बैटरी लगा दोगे, पता लगा 10 वोल्ट की और कहीं 1 वोल्ट की, तब कॉम्पिटिशन नहीं कर हो सकता है। पहले तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम करो ना, मतलब कि दोनों का जो वोल्टेज सोर्स है उसको सेम करो। अगर ये वी वोल्ट की है, अगर ये 1 वोल्ट की तो ये भी 1 वोल्ट की, अगर ये 10 वोल्ट की है तो ये भी 10 वोल्ट की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ढकेलता कौन है, चलाएगा कौन इलेक्ट्रॉन को, बैटरी, ठीक है ना। तो दोनों की पहले बैटरी सेम कर दो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चलना ही क्या कहलाता है, करंट। इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा कंडक्टर में, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो उन्होंने क्या बोला है कि आप एक काम करिए, विल करंट फ्लो मोर इजली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ सेम मटेरियल, यानी कि दोनों मटेरियल कैसे होने चाहिए, सेम। मान लीजिए ये कॉपर का है, ये कॉपर की रॉड है, तो ये भी क्या है, कॉपर की रॉड ऑफ द सेम मटेरियल वेल कनेक्ट, हाँ ऑफ द सेम मटेरियल, लेंथ भी आप सेम रखिए, एक को थिन रखिए और एक को थिक रखिए। ये देखिए मोटा हो गया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है और ये थिन है, तो ये थिन है और ये क्या आपका थिक है। तो रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे ऐसा, तो जो आपने यहाँ पे कंडक्टर लिया है, कंडक्टर के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, एटम्स एंड आयन्स होते हैं, ठीक है भाई। किसी भी कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री एटम्स या आयन्स होंगे, तो जब बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है और इस कंडक्टर में से होके जाएगा, तो जैसे इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के थ्रू ऐसे करके पास करेगा, थ्रू का मतलब उसमें से होकर जब पास करेगा, तो ये जो बाहर से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन अंदर बैठे हुए एटम्स और आयन से कोलिजन करते हैं, टक्कर करते हुए जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर टक्कर ज़्यादा होगी, अगर कोलिजन ज़्यादा होगा, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है। क्योंकि ध्यान से समझिए, अगर इलेक्ट्रॉन की टक्कर ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रॉन की अगर टक्कर ज़्यादा होगी, कोलिजन ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब वो अच्छे से फ्लो नहीं कर पा रहे, अच्छे से नहीं चल पा रहे। तो इलेक्ट्रॉन अगर अच्छे से फ्लो नहीं कर पा रहे हैं, तो करंट भी अच्छे से फ्लो नहीं करेगा, सही है। और जिन भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन अच्छे से फ्लो कर रहे हैं, उनको ज़्यादा कोलिजन महसूस नहीं हो रहा है, ज़्यादा टक्कर नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट भी अच्छा होगा। इलेक्ट्रिक करंट अच्छा होने का मतलब उसको रोकने वाला कोई नहीं है, उसको रेजिस्ट करने वाला कोई नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट अच्छी तरीके से फ्लो कर रहा है। तो किस में अच्छी तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, जिसमें भी अच्छी तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, उसमें इलेक्ट्रिक करंट भी अच्छी तरीके से फ्लो करेगा, ठीक है। अब कैसे समझें सर, इस तरीके से समझिए। यहाँ पर देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया आपका ज़्यादा है ना, तो क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है। देखिए दो गली है, एक पतली गली है और एक चौड़ी गली है, ठीक है, पतली गली और चौड़ी गली। आप आराम से कहाँ भाग जाओगे बताओ, चौड़ी वाली जो गली होगी, हाँ, जिसका जो है थोड़ा सा एरिया ज़्यादा होगा सामने से देखने पर, सही है, उसमें आप अच्छे से चल सकोगे। तो इलेक्ट्रॉन अच्छे से कहाँ चल सकेंगे, ये जो मोटा वाला थिक कंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रॉन अच्छे तरीके से फ्लो कर सकते हैं। वहाँ थोड़ी उसको जगह इधर उधर मिल जाएगी निकलने की, तो वो टक्कर नहीं करेगा इतनी, तो वहाँ का रेजिस्टेंस कैसा होगा, कम। तो यहाँ का रेजिस्टेंस कम है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अच्छे तरीके से फ्लो करेंगे, ठीक है। और यहाँ का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, सकरी जगह है ना, नैरो है, सकरा है, तो इलेक्ट्रॉन जब चलेगा तो उसके कोलिजन होने की संभावना, भाई ये जो कंडक्टर्स में एटम्स और आयन्स और मॉलिक्यूल्स हैं, इससे टक्कर होने की संभावना ज़्यादा है, बात समझ में है कि नहीं। तो यहाँ पर बच्चों इलेक्ट्रिक करंट अच्छी तरीके से फ्लो करेगा, मतलब करंट अच्छी तरीके से फ्लो करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट अच्छी तरीके से फ्लो नहीं करेगा यहाँ पर, मतलब करंट अगर अच्छी तरीके से फ्लो कर रहा है, तो रेजिस्टेंस यहाँ का कैसा है, लो, यहाँ का रेजिस्टेंस कम होगा और यहाँ का रेजिस्टेंस कैसा है, हाई है, कोई डाउट है।
अब इसी तरीके की इसको सर इसको हम एग्जाम में कैसे लिखें कि थिक वायर या थिन वायर किस में से अच्छी तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे या फिर किस में अच्छी तरीके से करंट फ्लो करेगा, मोर इजिली किस में करेगा, तो जवाब है मोर इजिली थिक वायर में करेगा। किस में करेगा? थिक वायर में। ठीक है, कैसे करेगा सर? हमने क्लास में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू व्हाट, रो एल बाय ए। ये फॉर्मूला पढ़ा है, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। आर क्या होता है बताइए? आर होता है आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, रो क्या होता था? रो को हम क्या बोलते थे? रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी या फिर इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। एल क्या होता है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और ए क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया। ये सब आई थिंक आप लोगों को पता होगा। तो इस फॉर्मूले में अगर आप ध्यान से चेक करें तो जो रेजिस्टेंस है इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। चेक कर लो, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस आपका कम होगा। रेजिस्टेंस कम होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को रोका नहीं जाएगा और इलेक्ट्रॉन अच्छी तरीके से फ्लो कर जाएंगे बिना किसी टक्कर के। मतलब टक्कर होगी, थोड़ी बहुत टक्कर होगी, तो इलेक्ट्रॉन अच्छी तरीके से फ्लो करेंगे तो करंट भी इजिली फ्लो करेगा एंड वाइस वर्सा, इसी का उल्टा। मतलब अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया, चेक करो यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया कम, तो क्या होगा? रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा? हाई। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, मतलब ए बढ़ेगा तो आर क्या करेगा? घटेगा। ए अगर घटेगा तो आई आर क्या करेगा? उसी रेशियो में बढ़ेगा। सही है ना? तो इस तरीके से यानी कि एरिया जब कम होगा तो रेजिस्टेंस हाई होगा। रेजिस्टेंस हाई होने का मतलब है जब इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो उसमें कोलिजन ज्यादा हो रहे हैं, टक्कर ज्यादा हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इजिली फ्लो नहीं कर पा रहे, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इजिली फ्लो नहीं कर पा रहा है। अब इस चीज को एग्जाम में कैसे लिखेंगे उसको देखो। हम लिखेंगे एग्जाम में द करंट विल फ्लो मोर इजिली थ्रू अ थिक वायर। मोटे वाले तार में से जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है उसमें से इलेक्ट्रॉन अच्छी तरीके उसमें से करंट अच्छी तरीके से फ्लो करेगा, इजिली फ्लो करेगा। क्यों? देन थ्रू अ थिन वायर, थिन वायर के कंपेरिजन में ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स लाइक बैटरी। दिस इज ड्यू टू, अब यहाँ रीजन लिखेंगे, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अब मेरी बात सुनिए, किसी किसी बुक में आपको देखने को मिलेगा रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। ठीक है, आपको ये एग्जाम में लिखना हो आप ये लिख दो, अगर आपको ये लिखना है जो मैंने लिखा है आप, मैंने दोनों ही आंसर लिख दिए यहाँ पर। आपको किसी किसी बुक में क्या दिखाई पड़ेगा? दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर। ये चीज देखने को मिलेगी, यहां से यहां तक पढ़िए, यहां से लेके यहां तक पढ़िए। ठीक है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर, डायमीटर का स्क्वायर कर दो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल कौन? आर। ये क्या बात इन्होंने बोल दी, हमें तो क्या पढ़ाया गया? ये वाला फॉर्मूला पढ़ाया गया। ठीक है, कि रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो आप यही वाला लिख दो। अब ये क्या बोला है? रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डायमीटर। इसका क्या मतलब है? यहाँ देखिए जरा, यहाँ का डायमीटर कैसा है? ज़्यादा। और यहाँ का डायमीटर कैसा है? कम। अरे भाई क्रॉस सेक्शन का यार डायमीटर होगा ना, तो यहाँ का कम है, यहाँ का ज़्यादा है। होता क्या एक्चुअल में, हम आइए आपको बताते हैं, ध्यान से यहाँ पे चेक करिएगा। ये क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा दिखाई पड़ रहा है आपको? सर्कुलर दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है? हाँ, तो सर्कल का एरिया क्या होता है बताओ? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि अगर आप एरिया निकालने चलेंगे तो आपको एरिया का फॉर्मूला क्या मिलेगा? पाई आर स्क्वायर। आर क्या होता है बताओ? रेडियस होती है। ये जो क्रॉस सेक्शन है इसकी रेडियस कितनी है? आर। बच्चों रेडियस किसके इक्वल होती है? डायमीटर अपॉन टू। तो हमने क्या किया? पाई आर की जगह क्या रख सकते हो आप? डी बाय टू, और आर का स्क्वायर है तो डी बाय टू का स्क्वायर। तो पाई, अब ये स्क्वायर डी को भी मिलेगा और टू को मिलेगा, तो डी स्क्वायर अपॉन टू स्क्वायर क्या होता है? फोर। तो ध्यान से करो, पाई बाई फोर, पाई बाई फोर इंटू क्या आ गया? डी स्क्वायर। तो चेक करो एरिया की वैल्यू कितनी आ गई? पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर। पाई बाई फोर क्या है? कॉन्स्टेंट है। वेरिएबल कौन है? डी। अरे पाई बाई फोर तो पाई बाई फोर है, डायमीटर ही तो चेंज हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम लोग एरिया की जगह यहाँ पर क्या रखें, ध्यान से चेक करो, एरिया की जगह हम लोग यहाँ क्या रखें, यहाँ पर देखिए जरा, हमने क्या किया यहाँ पर एरिया की जगह क्या रखा? एरिया का फॉर्मूला क्या आ गया? पाई आर स्क्वायर होता था, आर की वैल्यू डी बाई टू रखी तो पाई डी स्क्वायर, सॉरी पाई बाई फोर डी स्क्वायर आया। पाई बाई फोर क्या है? कॉन्स्टेंट है, इसको नहीं चेक करेंगे। तो रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर, डायमीटर के स्क्वायर कर दो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्या? आर। इसका मतलब क्या है? कि डायमीटर को अगर हम टू टाइम्स कर दें तो टू का स्क्वायर क्या होता है? फोर। यानी कि एरिया क्या हो जाएगा? वन बाय, सॉरी रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? वन बाय फोर। डायमीटर अगर हम थ्री टाइम्स कर दें, थ्री का स्क्वायर क्या होता है? नाइन। तो रेजिस्टेंस वन बाय नाइन हो जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस नाइन टाइम्स कम हो जाएगा। क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। बहरहाल दोनों बातें हमने यहाँ पर लिख दी हैं, क्या? दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर। चाहे आप ये लिखिए और आप ये लिखिए कि रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, आप एग्जाम में कुछ भी लिख सकते हैं। समझा मैंने आपको दिया है? ओके, कर लीजिए।